हे एवरीवन, सो आज संविधान का हमारा यह तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक केस से, जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चीफ जस्टिस सुब्बा राव। इन्होंने ये बताया, द प्रीएम्बल ऑफ एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव फिर सिला लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू अचीव। इन्होंने ये कहा कि जब भी प्रेम्बल एक मेन ऑब्जेक्टिव है जिसमें लेजिस्लेशन की इंटेंशन पता लगती है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल दे हैव टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रिंसिपल से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करा। सो एक चीज आपको मैं जब भी बता दूं, वेन एवर वी हैव टू इंटरप्रिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करेंगे, सो वी हैव टू फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ द प्रेम्बल। सबसे पहले हम प्रेम्बल को देखेंगे, प्रेम्बल की इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब भी संविधान की इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। देखिए क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, अगर आप संविधान को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रेम्बल में मिल जाएगा, अगर आप प्रेम्बल को पढ़ेंगे सही से। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल प्रपोज करा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर को पहली बैठक हुई और सचिदानंद सिन्हा वाज इंटरिम प्रेसिडेंट 9 दिसंबर। सो हम इसके अगर अगला केस पढ़े तो री बेरूबरी केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ कहा कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। ये एक चाबी है जो हमको प्रेम्बल मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या उनके रीजन रहा, तो ये हम जब भी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो प्रेम्बल एक ऐसी की है, चाबी है, जिसे हमें पता लग जाएगा। टू शो द जनरल प्रिंसिपल एंड मेड द सेवरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेम्बल को देखेंगे, इसलिए हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए हम कहते हैं प्रेम्बल इज ए अम्ब्रेला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में, बेरूबरी केस में, एक ये बात ये भी कही कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। डेट्स वाई वी डोंट हैव टू इंटरप्रेट प्रेम्बल। बट इन द मेजर बैंड ऑफ केशव नंदा भारती केस 1973, लार्जेस्ट बेंच, 13 जजेस बेंच, उन्होंने उसमें यह कहा गया कि नो, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो डेट्स वाई वट एवर वी हैव टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे भी करेंगे, वी हैव टू फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ प्रेम्बल। ये तो हमने जान लिया केसेस के बारे में। अब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, हम अगर कोई लॉजिकल रीजनिंग इंटरप्रिटेशन करेंगे तो किस तरह से करनी चाहिए। देखिए वो दो तरीके से करनी चाहिए, सबसे पहले हमें इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स देखने चाहिए। कि इंटरनल एड्स में सबसे पहले हम देखेंगे जूरिस का ओपिनियन क्या रहा, और बुक्स में देखेंगे जो रेफर मटेरियल्स होगा उसमें से रेफर करेंगे, तो इस वजह से इससे हम उसमें इंटरप्रिटेशन करेंगे। और अगर हम जब भी नहीं समझ आया तो हम एक्सटर्नल एड्स पर जाएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे जुडिशियल डिसीजंस, साथ के साथ हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स की क्या उस टाइम में इंटेंशन रही, डिबेट ऑफ असेंबली, असेंबली की डिबेट देखेंगे। तो इन ये दोनों तरीकों से हम इसकी अच्छी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। एक उसके बाद हम अगले केस पे बढ़ते हैं, इसके अंदर इन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रेम्बल के बारे में कहा कि प्रेम्बल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। इसमें भी वही बात करी, बट केशवानंदा ने इस बात को भी काट दिया। केशवानंदा भारती केस ने यह बोला, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट्स वाई आर्टिकल 368 ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इज अमेंडेड इंक्लूडिंग प्रेम्बल, ये बात करी गई। अब हम प्रेम्बल के कुछ सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक बार प्रेम्बल को रीड आउट करते हैं, फिर इसका सोर्स बताते हैं आपको, प्रेम्बल का सोर्स क्या है। वैसे ही मैंने आपको कहा था हम प्रेम्बल को पूरा पढ़ेंगे तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन इसी में पता चल जाते हैं सही से, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या रीजन था। देखिए सबसे पहले हम प्रेम्बल के अंदर सोर्स में जानते हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल का सोर्स क्या रहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमने बनाया है संविधान, हमारे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारा संविधान बना है, हमारा कानून जो हमारा संविधान बना है, वो विधि के आधार पे नहीं बना, मूल्यों के आधार पे बना है। और मूल्य किसने स्थापित करे, हमने करे, पुराने टाइम से एशियन फिलोसफी है हमारी बहुत सारी, हम अपने वैदिक और बहुत सारे मॉडर्न उसमें
परंपराओं में काफी स्थगित रहे हैं, इसी वजह से वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने इसको बनाया है इसीलिए। और हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन, ये हमने सारी बातें कर दी जो हम अब तक पढ़ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव चार आते हैं। पहला जस्टिस, जस्टिस हमें किस तरीके की बताई गई है? देखिए जस्टिस हमें इसमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बताई गई है। अब देखिए जो सोशल जस्टिस की बात करी है वो सोशली ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल, कहा है कि हर एक पर्सन इक्वल है, मतलब अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आ गया प्रेमबल में वही बात जो हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में समझने वाले हैं। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में हमने क्या कहा है? वी कांट डिस्टिंग्विश एनी पर्सन टू इकोनॉमिकली वेल्थ एंड लेस, हम ये भेदभाव नहीं कर सकते कोई इकोनॉमिक में वेल्थ है और उसको लेस है। डेट्स वाई हमने इकोनॉमिक के लिए हमने डेट्स वाई प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करा, वेलफेयर प्रिंसिपल के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करा, क्योंकि वेलफेयर प्रिंसिपल के एस्टेब्लिश करने से हम इकोनॉमिक जस्टिस भी कर पाएंगे। और हमारा एक बहुत पुराना एक एशियन लिटरेचर हमारा साहित्य रहा है कि सर्वे भवंतु सुखिना, कि सबका भला हो, इसी वजह से। अब पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हेड, बिकॉज हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा पावर किसको है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमको दी गई है तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। अब हम दूसरे इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, वो है लिबर्टी। लिबर्टी भी तीन तरीके की बताई गई, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशंस एंड बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। अब लिबर्टी ऑफ थॉट्स की बात करें तो एवरी पर्सन हैव लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हर किसी व्यक्ति को थॉट्स का लिबर्टी है। देयर मे बी डिस्टिंग्विश इन थॉट बट नॉट इन हार्ट, हर किसी के थॉट्स में फर्क आ सकता है लेकिन दिलों में फर्क नहीं आता, इसका मतलब मत भेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन की बात करें, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, जो हमारे लिबर्टी ऑफ थॉट है उसमें एक्सप्रेशन होने चाहिए, हमारे थॉट्स है और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता अपनी बात रखने का, तो ये भी हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, वैल्यूज ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी की हमेशा एक वैल्यू रही है कि हम मल्टी डिवोटीज है, बिलीव टू बी इनर फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया, हमको जिस जैसे जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिनकी आराधना करनी चाहिए, हमारे जो डिवोटीज है, हमारे भगवान है, हमें बिल्कुल लिबर्टी है वैसे करने की, इसी वजह से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में रखे गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करी गई, नो वन इन्फीरियर एंड नो वन सुपीरियर, ना कोई इन्फीरियर होगा ना सुपीरियर होगा, ना कोई इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना कोई सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इस चीज को बिल्कुल हमने बॉयकॉट करा। एंड अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, और अपॉर्चुनिटी रखी गई, हर किसी के अधिकार को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा गया जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था सबरीमाला टेम्पल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी वर्डिक्ट करी है उसके पीछे, इसी वजह से, क्यों, इक्वालिटी है, हर किसी को उसके अधिकार से रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबको प्रमोट करना चाहिए। चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है लास्ट फ्रेटर्निटी। देखिए अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी की, ईच एंड एवरी पर्सन रिसाइड विद डिग्निटी, हर कोई व्यक्ति अपने एक डिग्निटी मर्यादा के साथ रहे, और यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बना के रखे, एक अखंडता बना के रखे पूरे भारत में। ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। अब प्रेमबल के अंदर हम एक चीज और जानते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्री वी वांट टू एस्टेब्लिश, हमको कैसी कंट्री एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहे तो SSSDR, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब एंटी अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इसको पढ़ते हैं SSSDR। अब हम सॉवरन की बारी करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरन कौन है, हम सॉवरन है, हम संप्रभु है, नो वन इज रूलर, कोई हमारे पे रूलर नहीं है, हम ही अपने आप में सॉवरन है, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम ही को सारे अधिकार दिए गए। वी विल सेलेक्ट एंड वी विल इलेक्ट एंड वी विल रूल, नो वन इज अबव पीपल ऑफ इंडिया, हम ही सिलेक्ट करेंगे, हम ही रूल करेंगे और हमसे ऊपर कोई शासक नहीं है। अब सोशलिस्ट की बात करें, दूसरा देखिए सोशलिस्ट का एक केस है, ये जो सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी,
ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। अब सोशलिस्ट का एक केस है एक्सल वियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सोशलिज्म के बारे में बताया। सोशलिज्म मीन्स इट्स मोर फेवर ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को फेवर करना और स्टेट ओनरशिप और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। और दूसरा इसमें एक केस और आया डीएस नगारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बताया द वर्ड सोशलिज्म इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सोशलिज्म का मतलब है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो वर्किंग के लिए भी, और स्पेशली प्रोवाइडेड टू सिक्योरिटी, और सबको एक सिक्योरिटी मिले अच्छी एंड कार्डल टू ग्रीव, ये चीज में बताई गई। मोर गवर्नेंस हो लेकिन लेस गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस ज्यादा हो और गवर्नमेंट लेस हो, जिस और साथ के साथ हमिंग पॉलिसी भी हमारी एस्टेब्लिश होती है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में एस्टेब्लिश हुई, ये सब सोशलिज्म से ही निकली है एक तरीके से पॉलिसियां जो हमारी आई है। अब आता सेकुलर, देखिए सेकुलर मीन्स स्टेट विल हैव नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, वी ऑल आर सेकुलर, ये हमने सेकुलर इसलिए रखा प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ के साथ इसमें केस है एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें कहा सेकुलर हैज बेस सेकुलर सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्योंकि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और हम रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके साथ एक डेमोक्रेटिक विद बाय द पीपल ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, हम डेमोक्रेटिक है किसके लिए, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के साथ, ये सारे विद द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमने पहले कहा कि हमारा जो विधि बनती है वो मूल्यों के आधार पे बनती है, ना कि हमारा जो संविधान मूल्यों के आधार पर बना है विधियों के आधार। रिपब्लिक, रिपब्लिक में हमने जाना नो विल बी द हेड बाय इनहेरिटेंस, हमको रिपब्लिक है कोई भी इनहेरिटेंस के आधार पे हेड नहीं रहेगा, एक शासक नहीं रहेगा, इसी वजह से हमने रिपब्लिक इसमें ऐड करा। अब जो आखिरी हमारा बचा है इंटीग्रिटी, देखिए इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, वी वांट टू इंटीग्रिटी ऑफ द सेपरेटाइज टेंडेंसी एंड मेक पीपल फील एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज अवर होम, हमने एक सेपरेटाइज टेंडेंसी रखी इंटीग्रिटी में और लोगों को फील करवाया भारत के व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अलग है कि वो भिन्न है, इसी वजह से हमने एक इंटीग्रिटी का इसमें भाग रखा। तो इसी के साथ हमने प्रिंबल को इंटरप्रेट करा। सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।